दोस्तों आप पेड़ पौधे लगाने के शौकीन तो हैं, अपने छत पे लगाना भी चाहते हैं, गमले में लगाना चाहते हैं, लेकिन क्या करें आपके पास समय ही नहीं है, न समय होने के कारण आप जो है पौधे लगा नहीं पाते हैं। तो दोस्तों आप लोगों के लिए विशेष तौर से मैं एक ऐसे पौधे को लाया हूँ जो बिल्कुल ही जिसको केयर चाहिए नहीं, वह जाड़े में, बरसात में, गर्मी में हर समय आपका साथ देगा, आपको कुछ करना नहीं है, बस एक बार लगाइए और भूल जाइए। दोस्तों यह बिल्कुल ही केयरलेस प्लांट है। तो दोस्तों आइए हम इस पौधे को कैसे लगाते हैं इसको जानते हैं। इसकी कई वेराइटीज हैं, आप जो नर्सरी से ले सकते हैं, ग्राफ्टेड वेराइटी लीजिए, एयर लेयरिंग से तैयार किया हुआ पौधा लीजिए, उसको नर्सरी से लाइए और अपने गार्डन में लगा लीजिए जैसे मैं बता रहा हूँ, आपको कोई केयर करने की जरूरत नहीं है। नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे हरे भरे आर्बे गार्डन में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों अब तक आप जान गए होंगे कि मैं किस पौधे की बात कर रहा हूँ। हाँ दोस्तों आप ठीक ही समझे हैं मित्रों, वह है कनेर का पौधा। इस पौधे को ही आज मैं इस गमले में, जो कि 12 इंची का गमला है, इसमें रिपोर्ट करूंगा। कैसे रिपोर्ट करूंगा दोस्तों यह बताता हूँ। मित्रों गमले के ड्रेनेज होल को बंद करने के लिए इस तरह से आपको एक टिपरी लेनी पड़ेगी और इसको जो है इनके सुराखों पर इस तरीके से रख देना होगा। दोस्तों इसको ढकने से मिट्टी बिल्कुल बाहर नहीं गिरेगी और पानी जो है वो अगर एक्सेस हो गया तो नीचे चला जाएगा। तो आइए दोस्तों अब हम इसके लिए मिट्टी बना लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम अपनी गार्डन सॉइल ही इसमें ले लेंगे। इस तरीके से देखेंगे हमारी गार्डन सॉइल है और इसमें दोस्तों हम इस तरीके से दो अंजुरी करीब ये है, हमने इसमें सैंड मिला दिया और इसके बाद दोस्तों हम इसमें करीब 1 किलो आप इसमें बर्मी कंपोस्ट मिला देंगे। आपके पास जो भी है, काउडंग कंपोस्ट है तो उसे मिला सकते हैं, लीव कंपोस्ट है तो उसे मिला सकते हैं, जो भी कंपोस्ट है वो आप इसको मिला दीजिए। इसमें हम जो है कुछ 2 चम्मच के करीब जो है रॉक फास्फेट मिला लेंगे। ये इससे फायदा होगा दोस्तों ये कि हमारे इस पौधे की टहनियां मजबूत रहेंगी, सीधा खड़ा रहेगा और ब्रांचेस ज्यादा निकलेंगी। तो दोस्तों जो है इसके अंदर कैल्शियम, फास्फोरस और जिंक का ये बहुत अच्छा स्रोत है, तो इसको हम इसलिए मिला रहे हैं। और मिला करके दोस्तों अब हम इसको इस तरीके से सारा मिला देंगे, मिक्स कर देंगे। तरीके से ये सॉइल मिक्स बन करके तैयार हो गई है। आप लोगों को इसको इस गमले में भर लेना है। मित्रों हमारा गमला सॉइल मिक्स से भर करके तैयार हो गया है। अब हम इस पौधे को इसमें रिपोर्ट करने की प्रक्रिया चालू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बड़ी सावधानी से जो ये थैली है प्लास्टिक की, इसको हम काट देंगे इस तरीके से और फिर काट करके दोस्तों इसको इस तरीके से ये निकल गया दोस्तों। क्योंकि ये पौधा दोस्तों लाल मिट्टी में लगा हुआ है, इसलिए हम लाल मिट्टी जो है पौधे को हमारे गमले में डेवलप होने की इसकी जड़ें जो है बहुत परेशान करती हैं, तो हम इस मिट्टी को पहले निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे दोस्तों, जैसे हम ग्रीन टी पीते हैं दोस्तों और उसको टिप करते हैं, उसी तरीके से हम इसको इस पानी में डाल देते हैं और इसको इस तरीके से टिप करेंगे, इस तरीके से हिलाएंगे तो ये दोस्तों निकल जाएगा इसके अंदर से। मित्रों ये हमारा देखिए, हमने इसको डिप कर लिया है पानी से, इसकी जड़ें बिल्कुल साफ कर लिया है। इस तरीके से देखिए ये साफ हो गई है, काफी अच्छी जड़ें हैं दोस्तों। अब हम इसको इसमें रख करके देख लेते हैं, नाप करके सही है कि नहीं है। ठीक है दोस्तों ये हमारी मिट्टी एकदम सही है और अब हम दोस्तों इसके नीचे जरा सा ये हम वर्मी कंपोस्ट डाल देंगे इस तरीके से। और अब डालने के बाद दोस्तों इसको हम यहाँ करेंगे तरीके से सेंटर करने के बाद, अब हम अपनी ये मिट्टी जो है हमारी जो ऑयल मिक्स है जो हमने बनाया है इससे इसको पूरा हम भर देंगे। मित्रों अब हम इसको मिट्टी को इतना भर दिया है, देखिए ये लगभग 1.5 इंच के और 1 इंच के बीच में ये खाली है, 1.25 इंच के लगभग है। इसको हमने इसलिए छोड़ा है ताकि इसमें पानी जा सके, इतना ही छोड़ा जाता है पौधा लगाने के लिए। तो अब दोस्तों हम इसमें पानी डाल देते हैं।
हमने इसमें पानी डाल दिया है और देखिए वेल ड्रेन मिट्टी होने के कारण पानी जो है बिल्कुल नीचे चला गया और इतना ही डाला है ताकि वो गमले के नीचे से बाहर न जा, क्योंकि इसमें जो भी हमने थोड़ा बहुत पोषक तत्व डाला है वो इसमें रह जा और इस पौधे को मिले। दोस्तों हमने इसमें कोई अन्य खाद इसलिए नहीं डाला है क्योंकि हमने इसकी मिट्टी निकाल दिया था। ये मिट्टी निकल जाने की वजह से केवल दोस्तों हमको मिट्टी और केवल वर्मी कंपोस्ट दो ही चीज मिलानी है और थोड़ा सा हमने कैल्शियम के लिए दोस्तों रॉक फास्फेट मिलाया है। अब दोस्तों हम इसको 4-5 दिन बाद जो है फिर इसको लिक्विड फर्टिलाइजर देंगे, वो या तो बैक्टीरिया कल्चर से बना हुआ रहेगा या दोस्तों हम अपना जो है सरसों खली पाउडर से जो हमने लिक्विड फर्टिलाइजर बना रखा है उसको डाइल्यूट करके इसको दे देंगे। दोस्तों इस तरीके से केवल इतना ही काम इस पौधे पर करना है। अब दोस्तों ये 4-5 महीने के लिए दोस्तों इसी तरीके से फ्लावरिंग करता रहेगा और आपको कोई केयर करने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी इस पे इंसेक्ट इत्यादि भी नहीं लगता है। केवल आपको जैसे ये पीली पत्तियाँ थोड़ी सी पड़ गई हैं इनको आप हटा दीजिए तथा दोस्तों जो फूल आप जो है सूखे हो सूख जाए उनको हटा दीजिएगा। अगर आप जो है डेली फूल प्रभु को चढ़ाने के लिए अर्पित करने के लिए तोड़ते हैं तो आपको कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इस तरीके से ये सारे फूल टूटते जाएंगे और दोस्तों इसमें नई नई ब्रांचेज जो है इस तरीके से जब ये फूल खत्म हो जाएगा तो यहाँ से देखिए 3 निकल रही है, ये 3 ब्रांचों में फिर फूल निकलेगा और फिर इसी तरीके से जब फूल खत्म होगा तो फिर 3 ब्रांचेज निकलेंगी। इस तरीके से ये पौधा बिल्कुल बुझी होता चला जाएगा, घना हो जाएगा और बहुत ढेर सारे फूल देगा। तो दोस्तों ये केयरलेस प्लांट है, इसमें किसी प्रकार की कोई केयर करने की आवश्यकता नहीं है, सालों साल ये आपको इसी तरीके से फूल देता रहेगा। मित्रों इस तरीके से आप अगर कनेर का पौधा लगाएंगे अपने छत के ऊपर रखेंगे तो दोस्तों आपका पौधा भी इसी तरीके से फ्लावरिंग करेगा और दोस्तों इस विधि से लगाएंगे तो बिल्कुल ही नहीं मरेगा और बिना केयर के चलता रहेगा। तो दोस्तों मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो और दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए तथा अपने दोस्तों में इसे शेयर कर दीजिए तथा मेरे चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।